नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि कल वोटिंग होने वाली है देश के अंदर। पहले फेज की 102 सीटों की का मतदान होने जा रहा है, तो उससे पहले आज तो बहुत राजनीतिक गहमा गहमी है सभी तरफ। और आपको बताऊं, कल से बल्कि 2-3 रोज से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देश के अंदर चल रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से। मोदी जी ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था 400 सीटें कह करके। अब कांग्रेस ने इसका एक कसम से काउंटर शुरू किया कि भाई 400 वाली कोई बात नहीं है, कोई हवा नहीं है देश के अंदर, एक अंडर करंट है जो मोदी जी के खिलाफ है, बस माहौल बना रहे हैं वो, लेकिन जनता जो है उसमें पड़ने वाली नहीं है, जनता ने तय कर लिया। अब यहां से आया मामला ये 180-150 वाला। ये चुनाव कोई लहर वाला चुनाव नहीं है, ये 180-150 सीटें भाजपा को मिल रही हैं वो वाला चुनाव है। पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है, बस वो बता नहीं रहे, मालूम उनको भी सब है। तो अब ये जो अगर ये वाकई में सोची समझी किसी की रणनीति है कांग्रेस पार्टी में, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन शुरुआत आज प्रोग्राम की मैं करूंगा अरविंद केजरीवाल के घर से। शब्द मेरे देखी मार्क कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के घर से, मतलब सुनीता केजरीवाल से। खबर दोस्तों ये है कि सुनीता केजरीवाल जी का रोल अपनी पार्टी में एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट अब वो पार्टी चला रही हैं, और हाँ, यहां तक मामला चला गया है कि अब वो अपने लोकसभा के उम्मीदवारों को एक एक करके घर पर बुलाकर उनसे मुलाकातें कर रही हैं, उनका फीडबैक ले रही हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान रही हैं। अब वो चंडीगढ़ भी जाएंगी, जहां पर वो पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों के साथ भी मीटिंग लेंगी। ये रिव्यू मीटिंग वो लगातार घर पे ले रही हैं, और इसकी रिपोर्ट वो अरविंद केजरीवाल को देती है, और अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज होता है वो फिर इन उम्मीदवारों को देती है। अब ये क्यों आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, क्यों अजीब सा है? पार्टी तो बाहर है, पार्टी तो चल रही है ना, पार्टी चलाने वाले लोग भी सब लोग हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप सुनीता केजरीवाल का हो रहा है। और वो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि डी फैक्टो पार्टी चीफ की तरह अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूपी के अंदर बहुत हवा बनाई गई कि भाई राजपूत जो है वो नाराज हैं। एक बात सही है कि कुछ राजपूत सभाएं भी हुई हैं, पंचायतें भी हुई हैं, और अब बसपा के और सपा के उम्मीदवारों ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया वेस्टर्न यूपी में कि राजपूत समाज तो हमारे साथ है, हमको उनका समर्थन पूरी तरीके से मिल गया है। तो इसकी भी मैं सच्चाई आपको बताऊंगा। और आज अमित शाह ने गांधीनगर में अपना नामांकन उन्होंने भरा है, रोड शो किया, एक बड़ा रोड शो किया, और उसमें हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, और वहां उन्होंने खुलकर के बताया है कि ये जो लोग हमसे बार बार पूछते हैं कहां से आएंगी आपकी 400 सीटें, कहां से पिछली बार से आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, तो वो बता रहे हैं पूरा यहां से हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। और फिर यूपी के अंदर देखिए, ये पहले तू की बात जो चल रही है, खासकर रायबरेली अमेठी को लेकर के, भाजपा ने अभी तक दो टिकट नहीं अनाउंस किए हैं, उसमें से एक रायबरेली का टिकट है और दूसरा कैसरगंज का टिकट है, बृजभूषण शरण सिंह वाली सीट का। कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है राहुल की पता अमेठी और रायबरेली में, जब वायनाड का चुनाव हो जाए शायद उसके बाद। स्मृति रानी का एक अच्छा रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि आप लिख के ले लीजिए, राहुल गांधी अमेठी आएंगे, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे जरूर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और बारामती में आज बहुत कुछ हुआ है, जहां शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ रही है और दूसरी ओर अजीत पवार की जो वाइफ है वो चुनाव लड़ रही है, वो इमोशनल हो गई बहुत शरद पवार की एक रिएक्शन पर, और वो रोने लग गई जो सुनीता पवार हैं। क्या हुआ था वहां पर, ऐसी वो शरद पवार की किस बात से इतनी आहत हो गई, ये मैं आपको बताऊंगा। आई शुरुआत लेकिन दिल्ली की खबर से कर लेते हैं। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल की आप डिफैक्टो पार्टी चीफ आम आदमी पार्टी की बन चुकी हैं। मैंने आपकी थोड़ी सी वजह आपको बताइए। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सेट पर हमारे मेहमान आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका हमारे साथ। समीर जगवानकर साहब हैं, समीर जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ सेट पर है, प्रोफेसर स्वागत आपका भी। लेकिन शुरुआत भास्कर किसे करेंगे, भास्कर क्या खबर है? सुनीता केजरीवाल जी अब खुलकर आ चुकी हैं राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में, पार्टी चला रही हैं अब। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत हम इस तरह से कर सकते हैं कि 21 तारीख को रांची में इंडिया गठबंधन की एक रैली होने वाली है, उस रैली में सुनीता केजरीवाल शामिल होने वाली हैं, उस रैली में वो संबोधित करेंगी। ये दूसरा मौका होगा, इससे पहले जो रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई गई थी उस रैली में उन्होंने संबोधित किया था जो लोग वहां पे आए थे, और दूसरी रैली इंडिया गठबंधन की जो एक साथ होने वाली है उसमें सुनीता केजरीवाल रांची में पहुंचेंगे, उनके साथ संजय सिंह भी रांची जा रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये बजाबते डिक्लेयर कर दिया था कि गुजरात में सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगी, और जो अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट दी थी आम आदमी पार्टी ने उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पे सुनीता केजरीवाल का नाम था, जिस लिस्ट में छठे नंबर पे संजय सिंह का नाम है आप अंदाजा लगाइए, और भगवंत मान का नाम तीसरे नंबर पे है स्टार कैंपेनर की लिस्ट में, इस लिहाज से आप देख लीजिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उसकी एक बैठक हुई थी
अरविंद केजरीवाल के घर पे, और उस बैठक में औपचारिक रूप से सुनीता केजरीवाल शामिल हुई थी। इसके बाद पंजाब में जो 13 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सभी जो कैंडिडेट है वो एक एक करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे आ रही है, और वहां पे उस लोकसभा सीट के अंदर में जो बाकी नेता है वो लोग आ रहे हैं, उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग हो रही है जो सुनीता केजरीवाल ले रही है, और एक तरह से पूरी रिपोर्ट वो तैयार कर रही है कि वहां पे किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ करना है, और एक तरह से ये रिपोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा कैंडिडेट है उनके साथ चंडीगढ़ में भी मुलाकात होने वाली, ये सब कुछ सुनीता केजरीवाल एक साथ कर रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि पार्टी की धुरी जो है वो सुनीता केजरीवाल अभी बनी हुई है। अब मेरा सवाल भास्कर आपसे इसमें ये है, ये सब कुछ इसीलिए आपने बताया उम्मीदवार उनके घर पर जा रहे हैं, वो रिपोर्ट ले रही हैं लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, पार्टी की मीटिंगें ले रही हैं, ये सब इसीलिए क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से ऑब्वियसली वही संपर्क में होंगी, वही फोन पर बात करती होंगी या जेल में जाकर मुलाकात करती होंगी, सिर्फ इस वजह से कि वो एक मैसेंजर की भूमिका में है, या पार्टी ने भी एक तरीके से उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है? और देखिए, पार्टी का आधिकारिक रूप से यही कहना होता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में कोई अगर दूरी का काम कर रहा है तो वो सुनीता केजरीवाल है, उनके जरिए संपर्क में है, लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक भूमिका वो निभा रही है वो सिर्फ इतना मैसेंजर की भूमिका उनकी नहीं है, इससे पहले कभी भी पार्टी में वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हुई है, और आज जिस तरह से वो भूमिका पार्टी में निभा रही है वो सिर्फ एक मैसेंजर की भूमिका नहीं है। अगर वो रिव्यू मीटिंग्स लेती हैं तो सिर्फ इतना नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल को हमें क्या बताना है, बजाबते वो ये देख रही है कि चुनाव में तैयारी आप किस तरह से कर रही है और आपको क्या तैयारी करनी है ये वो बता रही है, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और सिर्फ इतना तक नहीं है कि वो एक मैसेंजर है, ठीक है, वो नंबरिंग अब पार्टी को तय करना होगा कि कब तक वो नंबर टू है और कब वो नंबर वन बनने वाली। भास्कर आप रहिएगा जरा हमारे साथ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और एक तरीके से आप अरविंद केजरीवाल क्या पीछे होते जा रहे हैं अब, या पार्टी ने ये मान लिया कि भाई अब लंबा वक्त जो है केजरीवाल साहब बाहर नहीं निकलने वाले, तो कोई तो चाहिए ना, किसी भी संगठन के लिए एक तो मुखिया तो चाहिए ही होता है, वरना आप ठीक है पार्टी में बड़े नेता सीनियर नेता सब होते हैं अपना काम का सब कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक टॉप पर एक आदमी चाहिए जो डायरेक्शन लेगा, जो डायरेक्शन देगा, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं पार्टी में कई तरीके की फोर्सेस काम करती हैं, कई धड़े काम करते हैं, उन सबके बीच में समन्वय करने वाला एक आदमी चाहिए होता है, तो क्या वो सुनीता केजरीवाल डी फैक्टो पार्टी चीफ हो गई हैं, और क्या इससे आगे बढ़कर के हम देखें वो नौबत भी आएगी कि डी फैक्टो अब वो चीफ मिनिस्टर का रोल भी अदा करेंगे? हर्षवर्धन जी, सर जी, एक तो ये कि आपने कहा माफ कीजिए, वो इंस्ट्रक्शन लेने नहीं देने के लिहाज से पहले लेंगी तभी देंगी, तो आपकी वो माफी जो है वो खारिज की जा रही है, ठीक है, वो माफी का कोई मतलब नहीं था। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं, ये बात समय समय पर साबित होती रही। जितने उनसे कद में बड़े लोग थे, जो असल नेता थे, जो आंदोलन के नेता थे, उनको किसी न किसी बहाने से धीरे धीरे उन्होंने कट टू साइज कर दिया, आउट कर दिया, रह नहीं गए, कुछ आरोप लगा के गए, कुछ बिना आरोप लगाए गए, कुछ पलट पलट के दूसरी तरफ आए, तो एक तरह से कहें तो पार्टी में वैक्यूम है लीडरशिप का। फिर दूसरे जो नेता तैयार हुए वो अधिकांशतः आश्रित हैं, यानी डिपेंडेंट हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पेड़ खड़ा है उस पर लता चढ़ती चली गई तो हमको लगा कि लता तो बड़ी ऊपर तक गई, लेकिन वो डिपेंडेंट है, तो केजरीवाल वो तना है, वो पेड़ है। अब उनकी सारी जो एक तरह से कहें कि आप उसको ये समझ लीजिए कि थोड़ा गोपनीय तरीके से जो योजना बनाते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उनको अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं रहा, वो रणनीति वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टी कैसे चलेगी सरकार, उनको अपनी जो गोपनीय रणनीति होती है, जिसको हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की विशेष राजनीति जो होती है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है क्या नरेंद्र मोदी के सामने एक अल्टरनेटिव इनका है, क्या जिस तरह से अचानक अरविंद केजरीवाल पलट पलट कर आते हैं उसमें कुछ होगा, तो उनको लगता है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं जिनके साथ वो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज पर बात कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी बताएंगे, उसके लिहाज से पार्टी चलेगी। हालांकि एक और चीज उनको शायद अब तक पता चल गया होगा कि जो फेस बनाने की कोशिश थी, यानी चेहरा बनकर सुनीता जी आगे आए, वो फ्लॉप हो गई। वो कैसे, तीन, ये कैसे? मैं उसी को बता रहा हूं कि तीन वीडियो के बाद आप देखिए उनका पब्लिक अपीयरेंस जैसी चीज नहीं रही, वो अचानक लगा कि ठीक है रामलीला मैदान में बहुत तैयारी करके गई थी, लेकिन वीडियो जिस तरह से आए, और जिस दिन से संजय सिंह बाहर आए उस दिन से लगा कि जैसे सुनीता जी की आभा पूरी कांति वो एकदम चमक कम पड़ गई, वो दिखा,
और वो शायद हम लोग ही नहीं महसूस करेंगे, हम लोगों से ज्यादा जो पार्टी के नेता हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अब संजय जी को तो जो सहयोगी हैं उनके प्रचार में जगह जगह जाना है, और सुनीता जी नंबर 2 पर, संजय जी नंबर 7 पर, सितारा प्रचारकों की सूची में अरविंद जी है नहीं, उनका शरीर नहीं है, आत्मा प्रचार करेगी, उस आत्मा को लेकर वो महसूस करेंगी और सुनीता जी प्रचार करेंगी। उसके बाद फिर 4th नंबर पर मनीष सिसोदिया जी हैं, जो उनकी भी आत्मा ही प्रचार करेगी। कमाल ये है, सत्येन जैन भी उसमें शामिल है। मतलब आप रणनीतिक तौर पर अभियान चला सकते हैं, लेकिन इस तरह से। और एक बात और मैं बताऊं, मैंने कल उस पूरी वेबसाइट को देखा था तो रह गया था कल, आपका रामराज्य जो वेबसाइट है, अरविंद जी की सिंखचो वाली तस्वीर नहीं, नहीं लगी उसमें, हटा दिया उसमें, सिंखचो वाला चित्र उसमें नहीं है, बैकफायर कर रहा है उसमें वो तस्वीर, उसमें दिल्ली, गुजरात, गोवा, पंजाब, तो दिल्ली और पंजाब में तो 2 मुख्यमंत्री हैं, तो उनके एक एक वीडियो डाले हुए, नीचे ढेर सारे वीडियो हैं, कहीं भी वो बस तिरंगा लेके जो लहराते वाली फोटो पुरानी वाली चली थी जो 100 मीटर सड़क के उद्घाटन पे, वही वाली। आपकी बात से मुझे ख्याल आया, एक तो बात तो ये कि अरविंद जी जेल के अंदर बंद है, भाई कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, स्ट्रेटेजिस्ट क्यों ना हो, ऐसे वैक्यूम में थोड़ी काम कर लेता है, अभी लिखना पढ़ना करेगा पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ता है, अब कोई वहां अकेले बैठकर वो सोच सोच के चुनाव की रणनीति बनाऊंगी, मतलब ये मुझे यकीन नहीं होता है। कितना भी बड़ा रणनीतिकार हो, अपने लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ बिना चर्चा किए बात नहीं आती, कुछ नहीं कर सकता। कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज को सोच रहे होते हैं लेकिन उसका तार नहीं जुड़ा होता, दूसरा कोई कोई बात कहता है उससे कनेक्ट होता है कि हाँ ये कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में बैठकर वो वाला कनेक्ट खोजना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए कैसे कर पाएंगे वो असंभव लगता है। इससे ये मालूम, इससे ये लगता है कि सुनीता केजरीवाल अब एक्टिवली रोल प्ले कर रही है, तो जो वो कर रही होंगी मेरे ख्याल से उसमें बहुत कुछ अपना उनका इनपुट होगा। एक बात ये, दूसरी बात एक आप ही से एक सवाल फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, क्या आपको लग रहा है कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल जी की कोई इनसिक्योरिटी प्ले कर रही है जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को उन्होंने आगे कर दिया है? मुझे तो लगता है क्या कि आपको पूछना चाहिए कि उनके मन में इनसिक्योरिटी के अलावा है क्या। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सीरियस नोट पे आप सोचिए, ठीक है सुनीता जी को आप जहां आपको अवसर लगता सहानुभूति लेने के लिए, भारतीय राजनीति में है कितना भी गंभीर से गंभीर आरोप हो, अगर महिला अपने पति के लिए निकल पड़ती है तो बड़े बड़े अपराधियों को लोग वोट दे देते हैं, अपराधी जेल में जाता है, उसकी पत्नी बनके सांसद विधायक हो जाती, तो यह सब खूब चलता रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या कोई और व्यक्ति नहीं है जो पार्टी को, जो चल रही थी इतनी बड़ी पार्टी कही जा रही थी, इतना प्रचंड बहुमत दिल्ली पंजाब में, कोई चला नहीं पा रहा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी नहीं है, ये सवाल तो कहीं आता ही नहीं है। इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी है कि जो संजय सिंह सार्वजनिक तौर पर सुनीता भाभी के पैर छू रहे हैं, जो संजय सिंह सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हम ही अरविंद केजरीवाल हैं, मैं अरविंद केजरीवाल मुहिम चलेगी, उन संजय सिंह पर भरोसा नहीं है, उन सौरभ भारद्वाज पर भरोसा नहीं, उन आतिशी मारलेना पर भरोसा नहीं, ये ज्यादा चिंता की। भास्कर आपके पास आप कुछ भी कहने को तो आप आइएगा चर्चा में, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। अच्छा हमारे प्रोग्राम में शाम वाले में कपिल मिश्रा आए थे 2 दिन पहले, ये सवाल उनसे भी मैंने, उनसे ये पूछा मैंने कि भाई क्यों आपको लग रहा है वो किसी और को कमान क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने भी ये कहा कि यार, और वो कपिल मिश्रा से मैंने कहा आप थोड़ा न्यूट्रली होकर के बताइएगा क्योंकि आप जानते हैं बहुत अरसे से आंदोलन के टाइम से, उन्होंने कहा अरविंद जी भरोसा कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर, ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं किसी के ऊपर, वो एकला चलो वाले आदमी हैं, और अगर कोई एक आदमी था जिस पर वो कोई रिलायंस रखते थे तो वो मनीष सिसोदिया के अलावा कोई नहीं है दूसरा। अच्छा वो तो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे राजदार, मैं राजदार शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा लेकिन वफादार आप कह सकते हैं, वो एक वफादार आदमी शायद केवल मनीष सिसोदिया थे, उनके अलावा और कोई नहीं, इसलिए शायद उनको अब सुनीता केजरीवाल के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता जिसको आगे किया जाए। देखिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिनों से जो जिस भूमिका में शुरुआत में संजय सिंह आए थे, आज की वो भूमिका संजय सिंह की नहीं रह गई है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा, अच्छा हाँ ये अच्छा है सर, आपने हैरान करने तब से लोग पूछ रहे हैं राघव चड्ढा पे तो बात कीजिए, राघव चड्ढा कहाँ है, हैरान अभी आप अभी आते हैं इस पे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो बताता हूँ। हैरान करने वाली बात है कि राघव चड्ढा जो है वो वहीं से सांसद है राज्यसभा के लिए, और राघव चड्ढा अभी तक भारत नहीं आए हैं, कमाल है। मतलब शुरुआत में बात की जा रही थी कि वो आम आदमी का जो फॉरेन में जो जो सोर्स हैं उनके साथ लॉबी कर रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कई समझ से थोड़ी परेज बात आती है कि आपका नेता जो है वो भारत के अंदर, चुनाव शुरू हो गया, कल वोट पड़ना है, आपका सांसद गायब नहीं, क्योंकि एक मैं कह सकता हूँ कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बाद
कोई सबसे बड़ा नेता था पंजाब की राजनीति में आज के दिन में भारतीय केजरीवाल की तरफ से, तो वो राघव चड्ढा थे। और राघव चड्ढा आज पूरी तरीके से चुनाव के परिदृश्य से ही गायब हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में कहा था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जा करके बूथ लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक हम जा करके सभाएं करने जा रहे हैं। मुझे वैसी कोई सभा अभी तक सूचना नहीं आई है, क्योंकि मैं वो जो अखबार है उसके जो दिल्ली का जो होता है पृष्ठ, उनको मैं लगातार खंगाल रहा हूं और इस प्रकार की कोई सभा दिल्ली में कोई कैंपेन आम आदमी पार्टी का नहीं, कैंपेन चल रहा है, लेकिन कैंपेन में जो वो तरोताजगी होती थी, जो उत्साह होता था, जो हमेशा एक आक्रामकता होती थी आम आदमी पार्टी के खासकर में, वो आक्रामकता गायब है। जबकि होना उल्टा चाहिए था, जबकि होना उल्टा चाहिए था। और जो अभी आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके वकीलों ने भी इनको बात बता चुकी, ये बात बता दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल का निकलना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही तेदि तय कर देती है, 26, 27, 28 ये तय कर देती है कि हाँ ये गिरफ्तारी इलीगल है, तब तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा पासा पलट जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी से को अवैध घोषित नहीं करती है, तो इनको बेल पिटीशन के लिए जाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ये अच्छे तरीके से मान रही है कि राव जमीनी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, ये दो ऐसे स्टेजेस हैं जहां पहले उनको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां जब तक वो क्रॉस करेंगे तब तक ये चुनाव बहुत आगे निकल चुका होगा। उन्होंने कोर्ट में अर्जी ये भी लगाई है कि मुझे अपने पर्सनल डॉक्टर से, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल, जो अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे ना कि कहां से उनको जानकारी होगी, वो जानकारी उनको मिल सकती है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं मिल सकती है। जितने भी फीडबैक आते होंगे वो फीडबैक अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाए जा सकते हैं, कि कोई सप्ताह में उनको पत्नी को मिलने की तो 3 दिन इजाजत है ही, तो 3 दिन यदि उनकी पत्नी मिलते हैं। मुझे हैरानी करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने में बाकी और किसी बड़े नेता का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, ये लिस्ट तो केजरीवाल साहब ने दी है ना सर, वो तो जो जेल में होता है वो लिस्ट देता है कि मुझसे ये लोग ये बाकी मुलाकात। मैं वही कह रहा हूं कि यदि देखिए राजनीतिक मुद्दों पर बात करनी होती है, आज के दिन में अपनी पत्नी से आप क्या बात करेंगे, अपने बेटे से आप क्या बात करेंगे, यही तो बात हो रही थी, लेकिन वो बात उन्हीं से कर रहे हैं आज के, और वो पार्टी चला रही है आज के दिन में। मान लेते हैं आप पार्टी चला रहे हैं और गवर्नेंस दे रहे हैं, तो आप बुलाते किससे? हाँ, आप बुलाते या तो अपने मंत्रियों को बुलाते, कोई नहीं गया, या कोई आप नहीं गया। अपने राजनीतिक कद में बड़े बात अटपटी लग रही है। सुनीता जी पार्टी की बैठकें लग रही है निश्चित रूप से। देखिए सरोज जी, अरविंद केजरीवाल जेल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल से डेली सुनीता केजरीवाल बात करती है, 5 मिनट फोन के ऊपर मिलने जाती है, अरविंद केजरीवाल से वो कोई संदेश लेकर आ रही होगी और दिल्ली के नेताओं को बता रही होगी, तो ये थोड़े हद तक समझ में आता है। लेकिन पंजाब में तो मुख्यमंत्री है भगवंत मान। एग्जैक्टली, पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है बुधराम, उससे डेली सुनीता केजरीवाल बात करती है, पंजाब के संगठन की बात कर रही है। अभी लुधियाना के जो प्रत्याशी वो कल मिलने आए थे सुनीता केजरीवाल से और उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। सुनीता केजरीवाल पंजाब में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनसे फोन पर चर्चा संपर्क कर रही है। और यही नहीं, गुजरात में तो 2 कैंडिडेट है भरूच और भावनगर से लड़ रहे हैं। भरूच से जो कैंडिडेट है वो जेल में है, उनकी 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों से सुनीता डिटेल निकाल के लाए। इसलिए क्योंकि वो आदिवासी लोगों में अलग होता है शादी करना। बोले बोले। तो उन्होंने, उनकी 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों ने प्रचार अभियान संभाल के रखा है। भरूच के जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है चेतन वसावा, उनकी दोनों पत्नियां धुआंधार प्रचार कर रही है और उन दोनों पत्नियों से सुनीता केजरीवाल बारी बारी बात कर रही है कि तैयारी कैसे चल रही है। भावनगर का जो सांसद चुनाव लड़ रहा है उससे तैयारी पे बात कर रही है। हरियाणा में क्या हो रहा है उसकी बात कर रही है। 21 तारीख को रांची के अंदर रैली है, उसमें सुनीता केजरीवाल को जाना है, तो वो विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रही है। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए कि अब लोकसभा चुनाव तो छोड़ दो, विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं अगले साल, तब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आने वाले। और मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा बनेगी। अच्छा। वो चुनाव लड़ेगी और वो मुख्यमंत्री अगली आम आदमी पार्टी की। सर लेकिन आपकी बात मुझे उन्होंने जागी जी ने बात कही, भाई अगर आपको पार्टी की बातें करनी है तो किसी और लीडर को बुलाओ ना जो पार्टी चलाना भी जानता है। आप वो बातें भी, गवर्नेंस की बातें भी मंत्री से नहीं करोगे, आप संजय सिंह से नहीं करोगे, आप बात कर रहे हैं। राघव चड्ढा वाला डिस्कशन एक बार हो जाए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रोचक है। मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी कोई ऐसा मामला, कोई उपचार कराने वो गए थे ये बात ठीक है, लेकिन वो उनकी तस्वीरें वहां घूमते हुए भी आ गई थी, लोगों से बातचीत करते भी आ गई थी, तो ऐसा तो नहीं कि वो भगवान ना करे लेकिन वो कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो कुछ वैसा ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो है कहां राघव चड्ढा? भास्कर बताएंगे आपको।
देखिए सौरभ, आधिकारिक रूप से अभी भी इलाज करने के लिए ही गए हैं राघव चड्ढा, लेकिन इतना इसमें तय है कि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, ये अभी कंफर्म नहीं है। राघव चड्ढा अभी भी पार्टी के संपर्क में है। ज्वाइन बीजेपी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी तो लंदन से थोड़ी कर लेंगे, उसके लिए भी दिल्ली आना पड़ेगा। बिल्कुल, वो दिल्ली आना पड़ेगा उसके लिए, अभी वो लेकिन दिल्ली नहीं आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इस तरह की कोई खबर आने वाली कि राघव चड्ढा कल आ जाएंगे। स्वाति मालीवाल भी बाहर थी इंडिया से, स्वाति मालीवाल आ चुकी हैं लेकिन राघव अभी तक नहीं आए हैं। उस बारे में ऑफिशियल जानकारी और सूत्रों से जानकारी यही है कि वो जा कहीं नहीं रही है लेकिन दिल्ली भी नहीं आ रही। पार्टी में बातें हो रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया, आपका सांसद चुनाव कल शुरू होने वाला है, गायब है वो? नहीं, इस तरह से कोई जानकारी राघव के बारे में इसलिए नहीं होती है कि मैं आपको बता दूं, राघव पार्टी में बहुत कम लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल के फेवरेट हैं और पार्टी के तमाम नेता और दूसरे लेवल के जितने भी लोग हैं सब उनसे नाराज रहते हैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा किसी को चिंता भी नहीं रहती है राघव कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, या पार्टी की तरफ से जो कुछ भी उनको बोला जाता है वो भी वो कई बार नहीं करते। अरे भास्कर, एक कमेंट भास्कर, भास्कर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भास्कर आपका इंटरेस्टिंग जानकारी। मैं एक चीज बताऊँ, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये जो हम पहले बात करते थे ना जल बोर्ड वगैरह का मामला, जो जल बोर्ड का मामला, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उनको सलाह दी थी भाई तुम मत लौटना वापस, यहाँ फंस जाओगे कानूनी चक्कर में, आ जाएगी ईडी सीबीआई कुछ आ जाएगी तो बाहर ही रहो? अब देखिए, कुछ तो मसला गंभीर है जो भास्कर कह रहे हैं, और चूंकि भास्कर तो बहुत अंदर की खबर रखते हैं तो वो बता रहे हैं, तो बहुत उसको माना जाए कि इसका मतलब ये पार्टी सर्किल में चर्चा हो रही है। अब मैं जरा इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहा था राघव चड्ढा का, 30 मार्च को जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जी गले मिल रही हैं, जो वीडियो है वो उन्होंने डाला है, वहाँ लिख विख के डाला है, उसके बाद वो रीपोस्ट करते हैं, एक दिन संजय सिंह के लिए पोस्ट की, एक दिन अरविंद जी के स्वास्थ्य के लिए उसका वीडियो डाला, रीपोस्ट किया, चैत्र नवरात्रि की 9 तारीख को शुभकामना दी है, फिर रीपोस्ट किया आम आदमी पार्टी को, फिर एक बाबा साहब का सपना है ये पोस्ट है, और उसके बाद फिर रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और कुछ नहीं। इतने गंभीर समय में जब पार्टी के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हो रहा हो, जो अरविंद केजरीवाल का फेवरेट बॉय है, जो अप्रत्याशित तौर पर विधानसभा राज्यसभा सब सीढ़ियां चढ़ता चला गया, जिस व्यक्ति को पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगवंत मान के एक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था, और आपको मैं बताऊं आज मैं सुबह खबर पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पंजाब की खबरें तो हम लोग लेते ही नहीं है, पंजाब की खबरों में आ रहा है कि एक प्रत्याशी के चुनाव में आम आदमी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा का एक एसपी और डिप्टी एसपी है वो नशे का कारोबार कराता है, यानी इस तरह की भी चीजें हो रही है। अब इसको अगर रिलेट करके देखें तो आम आदमी पार्टी का नेता भी आरोप लगाने लगा है, जो प्रत्याशी के लिए ही प्रचार कर रहा है, सांसद प्रत्याशी के लिए अपने, वो ये कर रहा है। यहां दिल्ली जल बोर्ड जैसी खबरें हैं, राघव चड्ढा जहां भी है वहां से एक्टिव होकर हम करें कुछ भी ना करते तो दिन में 5 पोस्ट करते कि हम मजबूती से लगे हुए, वो भी नहीं है, रिपोस्ट कर रहे हैं, यानी सिर्फ खानापुरी, पाला कभी भी बदल इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आज पाला बदल सकते हैं आपने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्रेक लेना पड़ रहा है, और बात हम लोग करते।